आज मेरा उपवास है। बाहर निकलो पीबॉडी, अपने पंजे उठा कर आओ। मिस्टर पीबॉडी, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है अपहरण, बेमतलब के खतरनाक रवैये और यहाँ का ट्रैफिक नियम तोड़ के उथल पुथल मचाने के लिए। आप लोग समझ नहीं रहे हैं, अंतरिक्ष वक्त की कड़ी में छेद है। अगर मुझे गिरफ्तार किया तो मैं उसे ठीक नहीं कर पाऊंगा। बहुत हो गया अपनी लंबी लंबी बकवास के जाल से और अपनी लाल टाई से दुनिया को बहुत बेवकूफ बना लिया। ले जाओ इसे। रुकिए। मिस्टर पीबॉडी के साथ क्या होने वाला है? जानते नहीं काटने वाले कुत्तों का क्या होता है। मुझे जाने दो, तुम्हें नहीं पता तुम क्या कर रहे हो। प्लीज कहीं और देर न हो जाए। रुक जाइए, उन्हें एक और मौका दीजिए। उसे बहुत मौके मिल चुके, अब अपना किया हुआ भुगतना ही होगा। पर सारी गलतियाँ तो मैंने की है, मैंने ही बिना पूछे वे बैग इस्तेमाल किया। मिस्टर पीबॉडी ने सिर्फ एक ही गलती की, मुझे गोद लेकर। शर्मन, तुमने बिल्कुल सही कहा है शर्मन। भला एक इंसान के बच्चे को ये कुत्ता पिता का प्यार कैसे दे सकता है? शायद अब सही है मिस ग्रानियन, मगर एक बात पर आपने गौर नहीं किया। कौन सी बात? मैं भी एक कुत्ता हूँ। अगर कुत्ता होना मिस्टर पीबॉडी जैसा होना है, जो कभी तुम्हारा साथ न छोड़े, जो हमेशा तुम्हें थाम ले जब भी तुम गिरो, और वो तुम्हें प्यार करे चाहे तुम कितनी भी गलतियाँ करो, अगर कुत्ता होने का यही मतलब है तो हाँ, मैं भी कुत्ता हूँ। 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 छोटू पूडल कुत्ता। मैं भी कुत्ता हूँ। कुत्ता होने वाली बात सही है। मैं भी कुत्ता हूँ। 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 मैं इंसान हूँ। ठीक है तुम सब कुत्ते हो, पर हम कानून नहीं बदल सकते। पर कोई है जो बदल सकता है। हम इन सत्यों को स्वयं सिद्ध मानते हैं कि सभी मानवों और कुछ कुत्तों को प्रकृति ने समान बनाया है। मैं यहाँ मिस्टर पीबॉडी को राष्ट्रपति क्षमा प्रदान करता हूँ। मैं भी। मैंने बहुत बुरे काम किए। मशहूर महान हस्तियों का सबसे बड़ा जमघट है यहाँ। अतीत में पहुँचने का हम जरूर कोई तरीका ढूंढ लेंगे। मैं एक बड़ी गुलेल बनाऊंगा, फिर हम फटाफट पहुँच जाएंगे। मगर याद रखना, प्रकाश की रफ्तार पर पहुँचते ही ग्रेविटी बहुत जबरदस्त होगी। हर क्रिया की उसी के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्यों ना हम उस बड़े छेद के मुँह पर जबरदस्त मुक्का लगाएं। एक आइडिया है। सभी सुनो, मेरे पास एक आइडिया है। अच्छा, तो क्या है शर्मन? क्यों ना हम भविष्य में जाए। भविष्य में? मैं वहाँ पहले कभी नहीं गया, तो हो सकता है वहाँ इतना बुरा हाल ना हो। शर्मन, क्या बात है, तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ। वैसे आप क्या सोच रहे हैं? वही बात जो आप लोगों ने अभी कही, मगर ये बात उससे एकदम उल्टी है। अगर हम वेबैक को भविष्य के लिए सेट करें और बहुत बहुत तेज जाएं, तो हम खुद का ग्रेविटेशनल फील्ड बनाएंगे जो अंतरिक्ष वक्त की कड़ी में हुए छेद के इक्वल एंड अपोजिट होगा। कुछ समझ में नहीं आया। हम वहाँ जाकर मुक्का लगाएंगे उस बड़े छेद के मुंह पर। यस।